सो दोस्तों, फिलहाल में मैंने अभी एक मॉनिटर की अनबॉक्सिंग की थी, तो वो मॉनिटर कुछ इस तरीके से था। मतलब उसके सारे जो फीचर्स थे मैं आपको बता नहीं पाया था, क्योंकि अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट जो था थोड़ा सा हैवी था, तो अच्छे से उसकी वीडियो बन नहीं पाई थी, और उसका लगभग एक महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए। तो दोस्तों, मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से इसको लाइक कर दो, और अगर इसके बारे में आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं या फिर कुछ और वीडियोज़ मेरे चैनल पर चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियोज़ बनाऊँगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। जो भी आप चाहें वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी भी तरीके की वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, कौन सी वीडियो आपको पसंद आती है। तो मैं सोचा क्यों एक और एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए, जिसमें उसके सारे फीचर्स जो है मैं बताने की आपको कोशिश करूं, क्योंकि जो लोग मॉनिटर परचेज करना चाहते हैं या फिर इन फ्यूचर परचेज करेंगे तो उनके लिए कुछ गाइडेंस होनी जरूरी है, क्योंकि क्या चीज ट्रेंड में चल रही है और किसी मॉनिटर में क्या चीज खासियत है, मतलब क्या हार्मफुल है और क्या प्रॉफिटेबल है, तो ये चीजें हैं ये बहुत जरूरी होती है आपको जानना। तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं एनिफो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि अगर बात करें कि इसकी जो स्क्रीन क्वालिटी क्या है, स्क्रीन क्वालिटी की मैं अगर बात करता हूं कि लो ब्लू लाइट आपको मिल जाएगी। लो ब्लू लाइट देखिए होती क्या है, हमारे जो आंखों में रेटिना होती है तो उसकी ब्लू लाइट हमारे हर एक डिवाइस में होती है, चाहे हमारा फोन हो चाहे वो हमारा टीवी हो, ऑलमोस्ट सब में से ब्लू लाइट रेज निकलती है जो कि हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। तो आजकल आप देखते होंगे कि कुछ कंपनीज जो है ऐसे स्पेक्स बनाती हैं, ऐसे चश्मे बनाती हैं, ब्लू लाइट को जो है वो कट करते हैं। इसमें आपको अगर ये मॉनिटर आप परचेज कर रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं सब कोई मॉनिटर, तो इसमें लो ब्लू लाइट की टेक्नोलॉजी दे रखी है आसुस ने। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, आपकी आंखों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा, और इसकी जो डिस्प्ले है वो आईपीएस पैनल है, 178 डिग्री का आपको एंगल व्यू मिल जाएगा, और फुल एचडी डिस्प्ले है। रेजोल्यूशन जो है इसकी 1920x1080 है, तो रेजोल्यूशन फुल एचडी है इसकी। और कलर की बात करें तो 16.7 मिलियन के आपको इसमें कलर मिल जाएंगे, और विविड कलर होंगे, काफ़ी अच्छे कलर दिखाता है। और इसमें कुछ कलर्स मोड मिल जाएंगे, जिसमें कि अगर हम बात करें गेमिंग मोड मिल जाएगा आपको, रीडिंग मोड मिल जाएगा, डार्क रूम मोड मिल जाएगा आपको, स्टैंडर्ड मोड मिल जाएगा, नाइट व्यू मोड आपको मिल जाएगा, आरजीबी मोड मिल जाएगा, स्कैनरी मोड मिल जाएगा आपको। तो ये सारे मोड्स आपको इसमें मिल जाएंगे, तो कोई भी मोड आप सिलेक्ट करना चाहें उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कि मतलब डार्क रूम मोड भी दे रखा है, गेमिंग मोड भी स्पेशल दे रखा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि गेमर्स वगैरह के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हैं, मतलब जो गेमर्स हैं तो वो लोग भी ये ले सकते हैं। सारा सब कुछ इसमें अच्छे से ठूस ठूस के दे रखा है। इसकी जो डिस्प्ले है वो ब्रेजल लेयर डिस्प्ले है, अल्ट्रा स्लिम दे रखा है, 7mm थिन दे रखा है, और जो डिस्प्ले जो ब्रेजल लेस दे रखी है ये इसलिए और काम करती है कि अगर आप जैसे कुछ एडिटिंग करते हैं या कि बड़े अमाउंट पर आप गेमिंग प्ले करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पैनल्स को जोड़ सकते हैं, मतलब अपने मॉनिटर्स को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एडिटिंग का रख लिया, यहाँ पर हमने व्यू का रख लिया, तो इस तरीके से आप दो मॉनिटर को एक साथ रख सकते हैं। तो ब्रेजल लेस का ये और कमाल होता है, आप मल्टी डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हैं। फ्लिकर फ्री की इसमें टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगी, तो मतलब जो होता था ना हिमिंग आती रहती थी, तो वैसी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और इसमें कमाल की बात यह है कि इसके अगर बात करें ऑडियो की, तो 1.5 वाट के दो आपको स्टूडियो ऑडियो मिल जाएंगे, मतलब एक स्पीकर मिल जाएंगे आपको दो। इतने पावरफुल नहीं हैं वो, थोड़े बहुत हैं, बट समथिंग बेटर देन नथिंग, मतलब उसमें ना होने से दे रखे हैं आपको साउंड आ जाएगा, बट ज़्यादा अच्छा मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आपको साउंड दे रखा है तो एक प्लस पॉइंट है। अगर बात करें इसकी पावर कंजप्शन की, तो पावर कंजप्शन आपको इसमें मिल जाएगा अगर आप सेविंग मोड पर इसको ऑन करके रखते हैं, मतलब आप इसको जब कंटिन्यू आपने चला रखा है तो आपको 14.75 वॉट की जो पावर कंजप्शन मिल जाएगी। अगर आप सेविंग मोड में से रखते हैं, जैसे कि आपने अभी यूज़ नहीं किया, रखा हुआ है, बंद हो गया, तो उस टाइम पर मतलब बिल्कुल ना के बराबर पावर जो आपकी कंजप्शन होगी। जस्ट लाइक एक छोटा सा बल्ब होता है ना, जीरो वाट का इसे आजकल हम बोलते हैं, तो लेकिन वो जीरो वाट एक्चुअली में होता नहीं है, वो 0.5 वाट का होता है, मतलब 0.5 वाट का, तो इतनी कंजप्शन आपकी होगी कि तो कुछ नहीं होना, मुझे लगता है इतने में कुछ नहीं है। और इसके अगर वेट की बात करें तो इसका वेट है वो 2.9 किलोग्राम आपको इसका नेट वेट मिल जाएगा आपको इसका, तो इतना भारी नहीं है। स्लिम होने की वजह से, ब्रेजल लेस होने की वजह से काफ़ी लाइट वेट दी जाएगी, क्योंकि इतना तो एक लैपटॉप में भी होता है जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फटाफट से इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो ऐसा मॉनिटर परचेस करना चाहते हैं या फ्यूचर में परचेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताओ ये मॉनिटर किस किस के पास में है, और ऐसा आसुस कंपनी का कौन सा मॉनिटर आप यूज़ करते हैं, मुझे उसका मॉडल नंबर मुझे बताओ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें, साथ ही उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको मिल पाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।